नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, पेटीएम एप्लीकेशन के बारे में नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। अगर आपका पैसा है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो जल्दी से जल्दी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए। दोस्तों सही सुना है दोस्तों, ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद बैन हो जाएगा पूरा। आरबीआई ने नोटिस भेजा है पेटीएम पेमेंट बैंक को कि आपका 29 फरवरी के बाद आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, किसी को भेज नहीं सकते। मगर पेटीएम वालों ने दावा किया है कि आपका पेटीएम जो एप्लीकेशन है, जैसे आपका रिचार्ज, टिकट बुकिंग, ये सब चलेगा, मगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब काम नहीं करेगा। आपका अगर पैसा है पेटीएम पेमेंट बैंक में, जल्दी से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मतलब और कोई बैंक है पेटीएम पेमेंट जो छोड़ के और कहीं दूसरा बैंक है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। आप पेटीएम एप्लीकेशन में जाकर भी देख सकते हैं उन लोग का, या फिर पेटीएम का जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें भी चेक कर सकते हैं कि ये न्यूज़ फेक है कि रियल है। आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा वो लोग के साइट में जाके। आपका जो क्यूआर कोड है, जो बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पर आप रिसीव कर सकते हैं, मगर पेटीएम पेमेंट बैंक अगर लिंक है उस अकाउंट में तो चेंज कर लीजिएगा। उसमें देखिए आपका बिजनेस का जो एप्लीकेशन है उसमें भी नोटिफिकेशन आता होगा कि आप चेंज कर लीजिए 29 फरवरी से पहले, क्योंकि आपका जो पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक है वहाँ पर रिसीव नहीं होगा कोई भी अमाउंट। तो कुछ इशू है, इशू का मतलब कि ये लोग का कोई है कि आरबीआई का जो नियम था उनको लागू नहीं किया पेटीएम पेमेंट बैंक ने, तो इसीलिए आरबीआई ने पहले भी वार्निंग दे रखा था। और दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो देखे होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक का जो आईपीओ आया था बहुत ही चर्चा था। आज जब लॉकडाउन आया तब भी चर्चा में था पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम का जो आईपीओ है, तो देखिएगा जिस प्राइस में इशू हुआ था, लिस्टेड हुआ था, उस प्राइस तक कभी पार ही नहीं किया वहाँ से। अगर कोई भी और न्यूज़ आता है पेटीएम के थ्रू तो मैं इस चैनल में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। तो दोस्तों, वीडियो भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों का शेयर करिए। जिस जिस के आपका फैमिली मेम्बर हो या रिश्तेदार हो, किसी का भी पेमेंट बैंक में पैसा होगा, उन लोग को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि ताकि ये लोग भी मतलब पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।